चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जाता है। ते आज भी श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब से अमृतसर श्री अकाल तख्त साहिब तो अलौकिक नगर कीर्तन कटिया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप सोहने फुलां दे नाल सजाया गया अते दूर दूर तो संगतां इस अलौकिक नगर कीर्तन मौके गुरु रामदास जी का आशीर्वाद लैण लई पहुंचियां। तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया डिठे सबे था नहीं दुद चेहया बदो पुरख बधाते तंत सोया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक खसमल जाए नाए रामदास सर। अज तन तन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश गुरपुरब समर्पित जो नगर कीर्तन पंजां प्यारियां की अगवाई हेठ श्री अकाल तख्त साहिब तो पंजां प्यारियां की अगवाई हेठ नगर कीर्तन की आरंभता हुई जिस विच गुरुकियां लाड़ियां फौजियां निहंग सिंघां ने गतके पार्टियां दे विच हाजरी भरी और स्कूल के बच्चों ने बैंड नाल और पुलिस वाले जिहड़े पुलिस वाले ने अपनी सलामी दित्ती और वख वख बाजारां हुंदिया नगर कीर्तन की जो समाप्ति श्री अकाल तख्त साहिब हुई। सो तन तन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश गुरपुरब दीआं बेअंत बेअंत संगतां नूं दास दे कवी श्री जथे वालों और समूह संगतां गुरु के नाम लेवा संगतां नूं बधाईआं होण जी। और तन तन श्री गुरु रामदास जी का जो प्रकाश 1534 ईस्वी चूना मंडी लाहौर पाकिस्तान विखे होया उत्थे भी मनारियां ने पाकिस्तान जो उन्हां दा जन्म स्थान जिथे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान उत्थे श्री गुरु रामदास जी का डिब्बी बाजार च चूना मंडी लाहौर पाकिस्तान च उत्थे जन्म होया गुरु रामदास जी का उत्थे भी मनारियां ने और देश और विदेश धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश गुरपुरब मना रही हैं। सो देश विदेश दीआं संगतां नूं बेअंत बेअंत बधाईआं होण जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।